हाय एवरीवन मैंने वेट लॉस के लिए ग्रीन कॉफ़ी को ट्राई किया आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पर हूँ लेकिन मेरी वेट लॉस जर्नी थोड़ा सा स्लो हो रही थी तो आई थॉट कि कुछ मैं उसके अंदर इनकॉपरेट करूँ इंक्लूड करूँ जिससे कि वेट लॉस जर्नी जो है वो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए बिकॉज uh, मेरी वेट लॉस जर्नी में अभी फ़िलहाल के लिए एक बार मेरा वेट बिल्कुल स्टक हो गया था वो बिल्कुल कम होने में नहीं आ रहा था सेवेंटी पॉइंट फाइव से सेवेंटी वन के आसपास वो रेंज कर रहा था बट आई ट्राइड ग्रीन कॉफ़ी फॉर वन वीक अभी मुझे ट्राई करते हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इन फैक्ट आई जस्ट शो यू द प्रूफ एज वेल एट सिक्स में है वेट सेवेंटी पॉइंट सिक्स के जी है एट सेवेंथ में है सेवेंथ में को वेट सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव के जी है सो इन जस्ट वन डे आई लॉस्ट टू पाउंड्स दो पाउंड यानी कि लगभग एक किलो सिर्फ एक दिन में कम हो गया इट्स नॉट दैट कि एक दिन में आपका पूरा का पूरा फैट मेल्ट हो तो जाता है ऐसा कुछ होता है बट बॉडी अच्छे से डिटॉक्सीफाई हो गई क्लीन हो गई एंड जो मेरा वेट लॉस का प्लेट्यो आ गया था वो टूट गया और वेट लॉस जो है मेरा वो वापस से होना स्टार्ट हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या है मुझे कोई सप्लीमेंट चाहिए था जिससे वेट लॉस में थोड़ी हेल्प मिले लेकिन कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं चाहिए थे आई कैन नॉट प्ले विद माई हेल्थ और ये ग्रीन कॉफ़ी है आप लोग रेगुलर टी कॉफ़ी पीते हैं वैसे ही ये ग्रीन कॉफ़ी होता है इसके कोई भी किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं कोई हार्म इसका नहीं होता किसी से रिकमेंडेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है यू कैन यूज़ ग्रीन कॉफ़ी इफ ये आपको सूट करती है तो मुझे पर्सनली बहुत सूट की आई लव्ड इट और मुझे कैफ़ीन की ना वैसे आदत नहीं है चाय कॉफ़ी की तो मुझे हल्की सी कभी कभी ब्लोटिंग एसिडिटी वाला प्रॉब्लम कभी होता था बट ज़्यादा नहीं होता था अच्छे से अगर पानी पीते हैं ना साथ में सारा दिन तो वो इशू भी नहीं होगा एंड uh, जो लोग चाय कॉफ़ी रेगुलरली पीते हैं उनको तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो ग्रीन कॉफ़ी ये मैंने न्यू हर्ब्स कंपनी की ट्राई आउट की बिकॉज़ ये वाली मुझे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लगी इसका एम ही सिर्फ टू नाइनटी नाएं है और ये वाला पैकेट आई थिंक मेरा बीस तीस दिन के लिए ईजीली चल जाएगा इसके साथ में इसका मेजरिंग स्कूप भी आता है मैं दिन में दो बार एक कप ग्रीन कॉफ़ी पीनी है मैं खाने खाने के एक घंटे के बाद ग्रीन कॉफ़ी पीना प्रेफ़र करती हूँ मैं रात के खाने के बाद नहीं पीती रीज़न बीइंग कि एक तो मैं रात को बहुत लाइट खाना खाती हूँ साथ ही में रात को कैफीन एंड टेक मैं प्रेफर नहीं करती बिकॉज़ फिर नींद नहीं आती है तो, तो मैंने ब्रेकफास्ट के एक घंटे के बाद ग्रीन कॉफ़ी पीती थी एंड मैं अपने लंच के एक घंटे के बाद ग्रीन कॉफ़ी पीती थी मैं एक स्कूप लेती हूँ ग्रीन कॉफ़ी का पानी लिया मैंने 200 हंड्रेड उसको उबाला जैसे ही बॉयल आया मैंने गैस को बंद कर दिया फिर मैंने एक स्कूप उसके अंदर अपनी ग्रीन कॉफ़ी ऐड कर दी और फिर सात से आठ मिनट के लिए मैं उसे ऐसे ही छोड़ देती थी इस पर फाइव टू तो टेन मिनट्स लिखा है तो अंदाज़े से सेवन टू तो एट मिनट्स मैं ऐसे ही उसको पानी में छोड़ देती थी देन उसके बाद स्टीव से छन्नी से पानी को छान करके मैं ले लेती थी एंड फिर उसको पी जाती थी स्लोली स्लोली आराम से बट हाँ क्योंकि आठ दस मिनट हो जाते थे ना उसको रखे हुए तो वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगता था इसलिए कंफर्टेबली आराम से पिया जाता था इसका टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज़ नॉट समथिंग कि बहुत टेस्टी होगा बट एट द सेम टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत गंदा होगा और पीते हुए आपको मुश्किल होएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है इट इज़ वेरी मच टॉलरेटेबल बेयरेबल बहुत आराम से आप पी सकते हैं इनफैक्ट समटाइम्स रिफ़्रेशिंग भी फ़ील हो जाता है इसको पीते हुए थोड़ा रिलैक्सेशन फ़ील होती है जो बेस्ट पार्ट था मैंने कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो किया है ग्रीन कॉफ़ी के साथ लेकिन उसके साथ में मुझे कोई भी किसी भी तरह की फास्ट फूड की या किसी प्रकार की फूड क्रेविंग्स नहीं हुई अदरवाइज मुझे हमेशा होती हैं फूड क्रेविंग्स एंड वो कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो होती ही है ना बट अच्छी खासी बहुत हेल्दी स्ट्रिक्ट डाइट में भी मुझे ज़रा सी भी क्रेविंग्स नहीं हुई ग्रीन कॉफ़ी ने मेरे एपेटाइट को सप्रेस करने में हेल्प किया जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड इतना प्रैक्टिकली मेरे साथी कभी होता नहीं था तो आई एम रियली हाईली इम्प्रेस्ड विद दिस अच्छा और एक बात मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो फर्स्ट डे है उसमें तो मैंने दो पाउंड्स कम कर लिए देन उसके बाद मैंने छः दिन और भी ग्रीन कॉफ़ी आई एम डेड श्योर कि थोड़ा और कम हो जाता इतने में लेकिन मेरे ट्रैवलिंग प्लान्स थे मुझे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था तो वो मैं नहीं छोड़ सकती थी बट मैं अपनी ग्रीन कॉफ़ी साथ में लेकर के गई मैंने इसे कंज्यूम किया uh, एक दिन जिस दिन फंक्शन था बहुत ज़रूरी था वो अटेंड करना उस दिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था ज़रा सी भी डाइट फॉलो करना दो दिन मैंने थोड़ी बहुत चीटिंग की ऐसे में यूजुअली मेरा दो से तीन किलो वेट एकदम से वेइंग स्केल पर वापस से गेन हो जाता है और जब मैं उसको कम करने लगती हूँ ना मुझे दो दो महीने फिर से लग जाते हैं बट फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग के बाद मेरा वेट गेन नहीं हुआ जस्ट वो उस दिन एक बार के लिए वेइंग स्केल पे ज़्यादा आया था चीटिंग वाला दिन के बाद बट उसके बाद वापस मैंने अपना नॉर्मल डाइट फॉलो किया ग्रीन कॉफ़ी को इंक्लूड किया एंड एक दिन के अंदर ही मेरा वेट जितना कम हुआ था वापस उतना कम हो करके स्टेबलाइज हो गया इसके बाद मेरा वेट गेन नहीं हुआ इनफैक्ट इससे स्टिल माई वेट इज़ गेटिंग डिक्रीज सो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कह सकती हूँ कि ग्रीन कॉफ़ी एक्चुअली वेट लॉस में हेल्प करता है and in any case green coffee का कोई side effect नहीं है so you can give it a try and अगर आपके लिए भी weight loss में help करे, तो मुझे comment section में आप ज़रूर बताइएगा आपका जो भी personal experience होगा green coffee के साथ वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा मैंने पहले दूसरे brands भी try किए हैं it's not that कि हमेशा result मिलता है मुझे थोड़ा different लगा ये new herbs वाला इसमें ना roasted green coffee को पीस करके उसका चूरा बनाया हुआ आई थिंक इस वजह से ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी का कर रहा होगा बाय ग्रीन कॉफी होता क्या ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई तो ग्रीन कॉफी जो हमारी रेगुलर कॉफी हम लोग पीते हैं ना ब्राउन वाली वो एक्चुअली रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स से बनती है जब कॉफ़ी उगती है तो वो ग्रीन कलर की उगती है ग्रीन कलर की ग्रो करती है उसको रोस्ट करके ब्राउन बनाया जाता है तो अगर उसे रोस्ट नहीं करेंगे ब्राउन नहीं बनाएंगे तो जो नेचुरल फॉर्म है कॉफ़ी का वो ग्रीन कलर के कॉफ़ी बीन्स होते हैं उसको पीस करके इसका पाउडर बनाया गया है ग्रीन कॉफ़ी में क्लोरोजेनिक एसिड होता है जिसकी वजह से मेटाबोलिज़्म हमारी बॉडी का बढ़ जाता है और हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं एक कप ग्रीन कॉफ़ी लग 100 कैलोरीज हमारे बर्न करती है तो दो कप मैंने अगर रोजाना ग्रीन कॉफी के पिए तो मेरी 200 कैलोरीज तो बैठे बैठे ही बर्न हो गई बिना कोई डाइट फॉलो किए बिना कोई एक्सरसाइज किए तो ये फ़ायदा इसका होगा क्लोरोजेनिक एसिड वेट लॉस में बहुत मदद करता है रेगुलर कॉफ़ी में क्लोरोजेनिक एसिड नहीं होता है वो रोस्ट करने के टाइम पे काफ़ी हद तक उसका क्लोरोजेनिक एसिड जो है वो खत्म हो जाता है दिस इज़ द रीज़न कि ग्रीन कॉफ़ी को वेट लॉस के लिए यूज़ किया जाता है अब मैं आपको थोड़ा बहुत इसके ऊपर पैकेट पर इंफॉर्मेशन से जो दी गई है उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ आप इसे अपनी मील के पहले ले सकते हैं लाइक आधा घंटा पहले आप ले लीजिए या फिर आप अपने मील के एक बाद में इसको पी सकते हैं दिस इज हाउ इट इज ग वर्क बेस्ट फॉर यू यू कैन एड हनी और कार्डमम फॉर बेटर एंड इसके बाद इन्होंने कॉशन्स दिए हैं कि आप प्रेगनेंट और नर्सिंग वीमेन नहीं ले सकते हैं। अगर आपको कोई सीरियस हेल्थ कंडीशन मेडिकल कंडीशन है तो आप बिना हेल्थ केयर प्रोफेशनल के रिकमेंडेशन के इसे ना लें और uh, जो 18 से कम ईयर्स लो, के लोग हैं उन्हें नहीं लेना है चिल्ड्रन के लिए नहीं है और बस यही है कूल और डार्क प्लेस में रखना है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें लगभग लग 39 कैलोरीज होती हैं एक कप में बट इन एनी केस एट द एंड ऑफ द डे ग्रीन कॉफ़ी एक्चुअली आपकी बॉडी के कैलोरीज को बर्न करता है तो हम इसके कैलोरीज को कंसिडर नहीं कर सकते हैं तो उसका कोई भी टेंशन इसमें हमें बिल्कुल भी नहीं होगा एंड बस नेचुरली अकरिंग सब है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको किसी भी तरह से हार्म कर सकता हूँ 200 ग्राम का पैकेट है टू नाइनटी का है बहुत अफोर्डेबल है मुझे वेट लॉस में बहुत हेल्प किया इसने एंड आई एम श्योर आपको भी करेगा बट इन एनी केस मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आप डाइट को मत फॉलो करें एक्सरसाइज को मत फॉलो करें सिर्फ इसको ले जस्ट बिकॉज ये ऐसे ही कैलोरीज बर्न कर देता है ऐसे नहीं चलता रियल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में वेन आपका सीरियस वेट लॉस गोल होता है आपको हेल्दी लाइफ अपनानी चाहिए है एक्सरसाइज करनी ही चाहिए है अच्छी डाइट लेनी चाहिए है एंड उसको आपका ताकि वेट लॉस स्पीड अप हो जाए अच्छे से जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाए उसके लिए आप ग्रीन कॉफ़ी को साथ में इंक्लूड कर सकते हैं इससे आपकी स्किन ग्लो होने में भी आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी ये जो प्रोडक्ट मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसका बाइंग लिंक परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वीडियो के टाइटल को क्लिक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिखेंगे वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना ग्रीन कॉफ़ी वाला वेट लॉस डाइट प्लान फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं एक बनाना खा रही हूँ बनाना खाने के थर्टी टू फोर्टी मिनट्स के बाद मैं पोहा खा रही हूं। मैंने इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड की हैं एक छोटी कटोरी पोहा का बनाया है आप पोहा ना खा करके चाहें तो उपमा भी खा सकते हैं आपको कोई लाइट सा हेल्दी नाश्ता खाना है जो कि फ्राइड ना हो मैंने हफ्ते में चार दिन पोहा खाया तीन दिन उपमा अब ब्रेकफास्ट करने के दो घंटे के बाद मैं ये ग्रीन कॉफी पी रही हूँ ग्रीन कॉफी पीने के एक घंटे के बाद मैं सैलड खा रही हूँ इसमें कोई भी नमक मिर्च को कुछ भी नहीं डालना है सैलड खाने के बाद अगर पॉसिबल हो तो आधे घंटे का गैप रखिए एंड फिर अपना लंच कीजिए अगर पॉसिबल ना हो पाए ऐसा तो कोई बात नहीं सैलेड के इमीडिएटली बाद आप अपना लंच कर सकते हैं मैं डेढ़ रोटी खा रही हूँ एंड ऑब्वियसली रोटी पर जरा सा देसी घी लगा हुआ है एंड देसी घी इज रियली गुड फॉर योर हेल्थ कोकोनट ऑयल में और देसी घी में, में मेरी सब्जी बनी हुई है तो ये है मेरा लंच एक तो आपको कोई भी सीजनल वेजिटेबल खानी है जैसे कि मैं अभी टिंडे की सब्जी खा रही हूँ और आपको रोटी जितनी भी आप खाते हैं ना उससे थोड़ी सी कम कर देनी है अगर आप तीन रोटी खाते हैं तो आप दो कर दीजिए दो रोटी खाते हैं तो एक से डेढ़ कर दीजिए ऐसे थोड़ा सा कम कर दीजिए रोटी को लंच करने के दो घंटे के बाद मैं 200 हंड्रेड ग्रीन कॉफ़ी पी रही हूँ ग्रीन कॉफ़ी पीने के लगभग एक से दो घंटे के बाद इवनिंग स्नैक में मैं एक फ्रेश फ्रूट मैंगो खा रही हूँ जो सीजनल है अब डिनर टाइम है डिनर में मैं एक बड़ी कटोरी दाल की खा रही हूँ डिनर करने के लगभग दो घंटे के बाद मैं एक ग्लास 200 हंड्रेड वाला दूध का पी रही हूँ गाय का दूध है मलाई उतरी हुई है तो एकदम से पतला होता है इसकी ज़्यादा कैलोरीज नहीं होंगी इसमें मैं चीनी या कुछ भी ऐड नहीं करूँगी इसके साथ में आप पाँच काजू खा सकते हैं या फिर आप एक छोटा टी स्पून गुलकंद का खा सकते हैं मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रही होगी अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो बिकॉज दिस इज़ अ रियली नाइस नेचुरल प्रोडक्ट जो कि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा एंड वेट लॉस में इनफैक्ट इस सचमुच में हेल्प करता है ये सिर्फ नाम नाम का प्रोडक्ट नहीं है स्टडीज़ ने भी शो किया है ग्रीन कॉफ़ी वेट लॉस में हेल्प करता है और मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी अब तो ले लिया है और मुझे हेल्प किया है तो मैं डेफिनेटली इसको प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकती हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर लुक आर चीज